नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अशोक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज के इस वीडियो में हम आपको अनबॉक्सिंग रिव्यू करके दिखाने जा रहे हैं एलजी की 8 kg की वॉशिंग मशीन्स के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली परचेस की मैंने अमेजोन से। एक्चुअली मुझे जरूरत थी वॉशिंग मशीन्स की, तो ये मैंने परचेस की है घर के लिए। आप भी यूज कर सकते हैं, मीडियम साइज की वॉशिंग मशीन है, काफी बढ़िया वॉशिंग मशीन ये मुझे लगी, इस कारण से मैंने इसको परचेस की है। और ये वॉशिंग मशीन के बारे में बता दूं, ये 8 kg की है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक है, फुल नहीं है, टॉप लोडेड, ऊपर से इसमें कपड़े डालने का और निकालने का पूरा सिस्टम अपलोडेड है। तो दिखा देते हैं, सबसे पहले मैंने इसमें देखा, सबसे पहले 5-star रेटिंग हमको मिलती है एलजी की तरफ से। ये वॉशिंग मशीन 5 ईयर मोटर वारंटी मिलती है और उसमें एक वॉशिंग मशीन एलजी की तरफ से दिया गया है इसमें कि रेट अवे, चूहे भार रहे हैं, चूहे की सेफ्टी लिए इसमें क्यों, इसकी बॉडी जो है काफी हैवी बनाई है और इसके अंदर जो मोटर की वायरिंग है सब कुछ वो इस बॉडी के अंदर है, तो चूहे वगैरह होम अप्लायंस की जैसे वायरिंग कतर देते हैं, काट देते हैं, तो हमको दिक्कत आती है उसको मेंटेनेंस करने में। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आई, पूरी वायरिंग वगैरह सब अंदर है, इसलिए इसमें लिखा रेट अवे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ फीचर हो जाता है देखने को, जो कि काफी अच्छा लगा मुझे। दूसरा बात, इसमें आप ऊपर सेलेक्टर स्विच दिए हैं, आपको टाइमर वॉशेबल जो भी उसका बारे में बताएंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे इनलेट पाइप के लिए पानी इसमें जब हमको चाहिए तो यहाँ पे इसको लाएंगे और इसमें इस सेलेक्टर स्विच सेलेक्ट करेंगे, वॉशेबल वॉश सेलेक्ट कर देंगे, इसमें पानी आएगा जितना हमको चाहिए और पानी लेके हम इसको यहाँ पे बंद कर देंगे पानी को। अब देखें इसके अंदर, सबसे पहले इसमें स्विच के बारे में बता दें, फिर अंदर हम जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे हमको 4 स्विच हमको देखने मिले, स्विच ये बोले सेलेक्टर स्विच है, इसमें ये स्वॉप या वॉश टाइमर है, इसमें टाइम सेट कर देंगे कितने सेकंड का हमको टाइम रखना है। दूसरी बात, कपड़े किस टाइप रखना है हमको, इसमें जेंटल नॉर्मल या स्ट्रॉन्ग, जिस टाइप के कपड़े उस टाइप इसको स्विच को रखेंगे, सेलेक्टर स्विच को, उसके अकॉर्डिंग आपकी वॉशिंग मशीन चलेगी, ठीक है। ये टाइमर आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आपके कपड़े धोप जाएंगे, यहाँ से धोने के बाद जो पानी रहता है उसको निकालने यहाँ पे स्विच को ड्रेन करेंगे, तो पूरा पानी आपके ड्रेन पाइप दिया है आउटलेट, उस पाइप के थ्रू आउटलेट के द्वारा पूरा पानी निकल जाएगा और वापस इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं पानी निकालने के बाद, ठीक है। इसके बाद ये वाला हमारा है, यहाँ पे स्पिन एरिया है जिसमें कपड़ों को सुखाया जाता है, तो वहाँ पे हम टाइमर सेट करते हैं और कितना टाइम सेट करना है वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो अब हम अंदर चलते हैं इसमें, ठीक है। ये मैंने बता दूं आपको, ये मशीन मुझे मैंने परचेस की है अमेजोन से, जो कि मुझे मिली 13,680 रुपये की पड़ी है मुझे, ठीक है। आप भी परचेस करना चाहते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगी आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं बेस्ट बाइंग लिंक। अमेजोन से मैंने परचेस की, 13,800 रुपये मुझे यह मिली है, ठीक है। तो इसका हम ये हटाते हैं ऊपर का और देखते हैं इसके अंदर, आप कैमरा में बोलूँगा दिखाएं इसमें अंदर क्या क्या हमको मिला है। इसमें कुछ यूजर मैनुअल्स हैं हमको, ये तो बिल हमारे पास था ही, इसमें यूजर मैनुअल गाइड्स हैं कुछ एलजी की तरफ से, ये पूरा, यदि आप नए हैं आपको वॉशिंग मशीन थोड़ा चलाने में दिक्कत है ऑपरेट करने में, तो इस मैनुअल को पढ़ सकते हैं आप और पढ़ने के बाद इसको आप पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमको देखें यहाँ पे क्या क्या मिला है हमको यहाँ पे वॉशिंग मशीन अंदर, देखें सबसे पहले तो यहाँ पे दिखाएं ये वाला, ये हमको दिखा है वाटर लेवल इंडिकेटर है, यहाँ पे कितना हमको वाटर लेवल रखना है, कपड़े हमारे कम है तो वाटर आप यहाँ पे लो मीडियम एंड हाई, तो अब उसके अकॉर्डिंग आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। इसको प्रेस करेंगे, लो पे ले जाएंगे, मीडियम हाई, जितना आपको पानी रखना उस पानी के लिए वाटर लेवल का यहाँ पे ये सिलेक्टर दिया हमको, कितना पानी इस टैंक में रखेंगे, ठीक है। कपड़े कम है तो पानी रख कम ज़्यादा कम रख सकते हैं, कपड़े ज़्यादा है तो फिर उसको ऊपर लाएंगे आप और पानी ज़्यादा रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कपड़े इसमें वॉश होंगे, बढ़िया साफ होंगे। इसके बाद हमको यहाँ पे दोनों साइड में देखो, इस कंपार्टमेंट में आपको हमको यहाँ पे फिल्टर देखने को मिल जाते हैं, ये जो कहें डस्ट कलेक्टर मिल जाते हैं देखने को। इसमें क्या होता है, जो कपड़ों में गंदगी रहती है, मैल रहता है, डस्ट रहती है, वो जब कपड़े वॉश होते हैं, स्पिन होते हैं, यहाँ पे धुलते हैं, तो वो इनमें ये फिल्टर्स के थ्रू यहाँ पे जमा हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, इसको डस्ट कलेक्टर बोल सकते हैं। इसके तरीके से इनको पुश करके बाहर निकाल सकते हैं हम इस तरीके से, और इनको निकालने के बाद इसमें देखें यहाँ पे डस्ट हमारी हुई, इनको बाहर निकाल के फिल्टर्स को आप बढ़िया साफ कर सकते हैं, बढ़िया। यहाँ पे आपको स्टील की जाली देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी बढ़िया वाशे वाले, इजीली बढ़िया साफ करके फिल्टर को, और इस तरीके से पुश करेंगे इसको, पुश करके वापस से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये बढ़िया फीचर है। इसी प्रकार इसमें एक औजार दिया है, ये भी फिल्टर हमारा है, जो कि डस्ट मैन मैल गंदगी जो भी कपड़े के आपके हैं वो यहाँ पे जमा हो जाती है, इसको हम धो के साफ करके वापस लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखें, कपड़े घुमाने के लिए यहाँ पे रोलर है, 3 रोलर हैं, 3 स्पिनर हैं हमारे, स्पिनर थ्रू कपड़े आपको मूव करेंगे, रोलर थ्रू भी आपको कपड़े चारों दिशाओं में कपड़े मूव होंगे, तो कपड़े आपके आसानी से बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया कपड़े धोने वाला कंपार्टमेंट। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले कंपार्टमेंट में, जहाँ पे हम कपड़े को सुखाते हैं, स्पिन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले इसका सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा है एलजी की तरफ से, और काफ़ी बढ़िया सेफ्टी प्रोवाइड की है। इसके बाद इसमें सबसे पहले हमको मिलती कुछ एसेसरीज, वो देख लेते हैं हम क्या क्या एसेसरीज हमको यहाँ पे एलजी की तरफ से मिली है, वो देखते हैं। यहाँ पे हमको कुछ पाइप्स दिए हैं, सबसे पहले तो ये पाइप्स हैं, ये पाइप है हमारा, यहाँ पे लगेगा इनलेट पाइप। यहाँ पे इस पाइप का क्या काम रहेगा कि जब हम इसमें पानी हमको चाहिए तो आप डायरेक्टली बाल्टी से डाल सकते हैं, या फिर इस पाइप के थ्रू इस सिस्टम हमको वाटर लेवल मेंटेन करना है, इस पाइप को हम यहाँ भी हमारे नल में लगा देंगे और वहाँ से इसमें पानी हम ले सकते हैं इसके थ्रू, और स्विच के थ्रू इसमें पानी
इनलेट करा सकते हैं। इसके बाद हमको एक आउटलेट में ड्रेन पाइप दिया है। इस पाइप का यूज़ हम क्या करेंगे कि जब हम कपड़े हमारे सूख जाते हैं, धुल जाते हैं, तो पानी जब ड्रेन करते हैं ना, मैंने बताया था इस स्विच के थ्रू, इसको ऑन करेंगे तो पानी बाहर से निकल जाएगा। अब ये पाइप क्यों दिया है इधर कैमरे में बोलूँगा दिखाने के बाद, दिखाएं इधर आके, इसलिए दिया है कि क्योंकि मान लीजिए आपके मशीन घर में रखिए कहीं भी, तो आपका कहीं गीला ना हो कुछ हो, तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे बड़ी आसान तरीके से, इस तरीके से लगा के, और इसको कहीं भी इसमें पानी पाइप कनेक्ट करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। ड्रेन की तरह ये काम करेगा तो आपका पूरा ये सेफ रहेगा, बढ़िया बेस्ट फैसिलिटी। दूसरी बात इसमें देखें एक लॉक दिया है, लॉक सिस्टम, इसको यहाँ पे आप हैंग कर सकते हैं, इस तरीके से रख सकते हैं, बढ़िया तरीके से आपका मशीन्स का पूरा सेटअप बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमको पावर के लिए केबल दी है, ये इस तरीके से इसको पावर में लगाएंगे, मशीन आपकी ऑन होगी, वहाँ कोई वायरिंग आपको बाहर कोई देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए इसमें लिखा है रेड अवे, चूहे दूर रहें, ठीक है, चूहे के लिए कुछ बचाए नहीं, दूर क्या चूहे क्या काटेंगे क्या खाएंगे, कुछ उनके लिए है ही नहीं, कंपनी ने इतना अच्छा सेफ्टी प्रोवाइड की है सेमी ऑटोमेटेड मशीन में। और इसको रखने के लिए ये बढ़िया यहाँ पे स्विच रखने की व्यवस्था, इसमें ये पावर रखने बढ़िया व्यवस्था करिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम इस एरिया में मोर को क्या क्या मिलता है, आगे हम चलते हैं। इसके बाद हमको यहाँ पे क्या लिखा है, सेफ्टी कवर दिया है, प्लस इसमें यहाँ पे एलजी की तरफ से एरियल का कुछ सर्फ दिया है वॉशेबल, और आप यदि कपड़े वॉशिंग में धुले तो आपको सर्फ भी अच्छा ही उच्च क्वालिटी का यूज़ करना पड़ेगा, यदि प्रॉपर आपको कपड़े सही तरीके से क्लीनिंग चाहिए तो कंपनी ने ऑलरेडी दिया, इसका यूज़ करेंगे पहले, फिर इसके बाद हम एरियल या जो भी अच्छा आपका कपड़ा धोने का सर्फ है वो यूज़ करें, बढ़िया हमारे लिए रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये सेफ्टी कवर है, ये सेफ्टी कवर क्या काम करता है, जैसे मान ली यहाँ पे देखें कि ये जैसे हम कपड़े धोके इसमें सुखोने के लिए डालते हैं, तो डालने के बाद इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं, तो इसका बेनिफिट हमको क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम इसको स्पिन करेंगे घुमाएंगे, जैसे सब जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, अब केंद्रीय बल जिन लोगों ने पढ़ा हुआ, तो जैसे ये रोटेट करेगा तो ये क्या कपड़े बाहर फेंकने का प्रयास करेंगे, बाहर ना फेंकें, इसलिए ये इससे पूरे क्या रुक जाते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं ये। इसके बाद इस क्या बोला इसको सेफ्टी कवर जो इसको लगा के फिर हम वहाँ से इसको लॉक कर देते हैं ताकि पूरा सेफ्टी बना रहा है। इसके बाद इस कवर को लगा देते हैं और फिर यहाँ पर टाइमर ऑन कर देते हैं तो हमारे कपड़े स्पिन होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें टाइमर आप इसमें दिया है 2, 4, 6, 8, 10 जो भी है, इतना आप टाइम इसमें सेट कर सकते हैं मिनट के हिसाब से, उतना आप सेट करके कपड़े आपके सूख सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया वॉशिंग मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन है, ठीक है। तो ये एक एलजी का अनबॉक्सिंग रिव्यू को हमने वीडियो आपको बताने का प्रयास किया, जो कि मैंने रिसेंटली मेरे जनरल यूज़ के लिए घर के लिए मैंने मंगाई थी, तो मुझे लगा कि आपके लिए भी इसके बारे में बता दिया जाए, और यदि आप भी परचेज करना चाहते हैं इसकी लिंक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अमेजन से मैंने इसको परचेज किया जो कि मुझे मिली 13,680 रुपये की, और एक्चुअली ये प्रोडक्ट एक ऐसा है जनरल सभी के घरों में यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है, और सभी लोग जब कुछ भी नया प्रोडक्ट खरीदते हैं परचेज करते हैं तो उसका रिव्यू जरूर देखते हैं। तो मैं तरफ से मुझे लगा कि ये काफ़ी एलजी की तरफ से काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है आपके लिए, एक मीडियम क्लास की फैमिली के लिए, 8 kg का और सेमी ऑटोमेटिक, 5-star रेटिंग का सबसे बढ़िया, 5-year मोटर वारंटी है। तो ये सभी फीचर्स मुझे अच्छे लगे, इस कारण मैंने इसको परचेज किया। आप भी परचेज करना चाहते हैं तो लिंक चेकआउट करके देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा यह प्रोडक्ट हो सकता है। तो आई होप आपको बताई गई ये वॉशिंग मशीन्स का अनबॉक्सिंग रिव्यू का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, मैं तो शेयर करें, और इसके बाद में आप इसके चाहते हैं कि कंप्लीट रिव्यू में बताऊं कपड़ा किस तरीके से धोते हैं, वॉश करते हैं, किस तरीके से ड्राई करते हैं, सुखोते हैं, उसके बारे में मैं एक वीडियो आपको बहुत जल्द इस चैनल के माध्यम से पब्लिश करने का प्रयास करूँगा। ये था ओनली अनबॉक्सिंग का वीडियो, छोटा सा रिव्यू जो मैंने बताने का प्रयास किया। तो वीडियो स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगली एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।